गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जेसीबी में व्हील वाला जेसीबी है, देखिए आप। यहाँ पे मेरा एंट्रोस गटर की शटरिंग 3 इसकी हो गई है, ऊपर 500-600 की प्लेट लगाना बाकी है अभी, और इंटरमीडिएट तक आई भी मेरे प्लेस हो चुके हैं। अभी उसमें पाइप उसका अरेंजमेंट भी हो चुका है, पाइप और सी चैनल प्लेस करूँगा, और पीछे वाला मेरा एंट्रोस गटर की शटरिंग हो चुकी है। अभी इंटरमीडिएट की और एंट्रोस गटर के P1 की हो रही है अभी, और ये मेरा 15 मीटर क्रैच बैरियर भी रेडी है, इस साइड का भी देख सकते हो आप। ये 15 मीटर अभी डिशटर हुआ है, तो इसका मैं अभी क्यूरिंग कंपाउंड और इसमें गनी बैग प्रॉपर फिक्सिंग करूँगा। हैसन क्लॉथ भी लगा सकते हैं। क्रैश बैरियर रेडी मेरा 15 मीटर, तो इसकी लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लाइन इसको बाहर की तरफ से सपोर्ट देने के लिए तो अभी हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, हमने इनर साइड से उसको सपोर्ट दिया है। इनर साइड से सपोर्ट देके एंगल पट्टी से उसको टाई किया हुआ है पीछे की प्लेट से। यहाँ बिटुमिन का मैस्टिक पैड लगाए हुए दिखाना चाहता था मैं आपको। क्रैश बैरियर कभी भी कंटिन्यू नहीं किया जाता है, ये 20 mm का बिटुमिन का मैस्टिक पैड लगा हुआ है इसमें, ये देखिए। ये आपको मोर्थ में मिलेगा 8.2221 में। क्रैश बैरियर शुड नॉट बी ग्रेटर देन फॉर कंटिन्यूस टू ग्रेटर 20 मीटर्स। और यहाँ पे स्टील फेसिंग हो रहा है अभी, कुछ स्टार्टर फिक्सिंग के बाद यहाँ पे प्लेट फिक्सिंग करूँगा मैं, तभी इसके कंक्रीट के लिए बूम मंगाया है, बूम भी आ जाएगा। तरफ हो रही है मेरी स्लैब के लिए स्टेजिंग, तो अभी वो नीचे जाके दिखाऊंगा मैं।